नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर पी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आर पी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ जिनको सब्जेक्ट को CE 4003 यानी कि टॉस यूरोप स्ट्रक्चर में अच्छी तैयारी करके एप्रल डेट लेके आनी है। तो देखिए कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी उसके आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पान 10 मीटर है जिसकी पूरी लंबाई पर 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीआई लगा हुआ है और हमें इसके लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड से स्लोप एंड डिप्रेशन की इक्वेशन बनाकर मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखिएगा क्योंकि लोडिंग सिमेट्रिकल है तो रिएक्शंस बराबर होंगे। कुल कितना भार है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, दूरी 10 मीटर, कुल कितना हो गया 3 × 10 यानी कि 30 किलो न्यूटन। तो सिमेट्री है ना, तो आधा आधा भार दोनों सपोर्ट लेंगे यानी कि 15 ये लेगा 15 ये लेगा। तो प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन कितनी होगी 15 15 किलो न्यूटन। दिया मैंने आर ई बराबर आर बी बोथ रिएक्शन आर इक्वल टोटल लोड अपॉन 2 यानी कि 3 × 10/2 यानी कि 30/2 इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। अब हम मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए काम करेंगे बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड द्वि समाकलन विधि से। उसके लिए हम एक सेक्शन लेंगे एक्स एक्स जिसकी दूरी इस सपोर्ट से x होगी और हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे mx। आपको बेंडिंग मोमेंट के लिए नोटेशंस पता होना चाहिए। ये कोई सेक्शन है जिसके राइट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो या लेफ्ट में क्लॉकवाइज हो उसको प्लस कहा जाता है और इसका उल्टा अगर राइट में क्लॉकवाइज लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज उसको माइनस कहा जाता है। तो जब मैं यहाँ लूंगा बेंडिंग मोमेंट इस एक्स एक्स सेक्शन पर तो ये जो आरे का मोमेंट होगा वो कैसा होगा लेफ्ट के अंदर क्लॉकवाइज और लेफ्ट में क्लॉकवाइज क्या होता है प्लस। देखिएगा ये आर ए इंटू एक्स प्लस है कुछ नहीं मतलब प्लस है आर इंटू एक्स और वो यूडीएल नीचे ना तो माइनस वो बनेगा लेफ्ट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है माइनस। तो माइनस 10 सॉरी ये 3 इंटू एक्स पर मीटर 3 है दूरी एक्स है 3 इंटू एक्स कुल लोड हो गया और दूरी क्या होगी इस यूडीएल की सीजी सेंटर में होती है तो x by 2 तो 3 × x × x by 2 पहले मैंने वो लिखा था r a into x minus small w into x by 2 मैंने r a की और w की वैल्यू पुट कर दी थी। इससे आपको mx मिल गया 15x minus 1.5x square। अब हम जानते हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिससे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकलते हैं ei d2y/dx² = -mx। इसका प्रूफ आपके पाठ्यक्रम की सीमा से बाहर है आपको याद रखना है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको जब पहली बार इंटीग्रल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है स्लोप जब दूसरी बार करते हैं तो डिफ्लेक्शन। तो इसमें ये mx जो निकाला उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हमने mx की वैल्यू पुट की तो माइनस तो फॉर्मूले में आ रहा है तो mx था ये d2y/dx² = 1.5x² - 15x। अब हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग 1 का समाकलन करने पर देखिए जब d2y/dx² का इंटीग्रल करते तो आता है स्लोप यानी कि dy/dx और x² का इंटीग्रल क्या होता है x³/3 ये आपने जाना होगा फर्स्ट ईयर के अंदर और x का होता है x²/2 तो 1.5x³/3 -15 × x²/2 प्लस एक कांस्टेंट लगता है इंटीग्रेशन का c1। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया 1.5 को 3 से डिवाइड किया तो 0.5 x³/15 को 2 से किया तो 7.5 x² + c1 इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हम इसको एक बार और इंटीग्रल करेंगे तो देखिए मैंने कहा था d2y/dx² का इंटीग्रल करेंगे तो dy/dx और dy/dx करेंगे तो y यानी कि डिफ्लेक्शन ये क्या है स्लोप dy/dx स्लोप स्लोप को स्मॉल i भी कहते हैं और ये डिफ्लेक्शन ei तो कांस्टेंट है ei क्या होता है ये हिंदी में कहते हैं नमन दृढ़ता
और इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल रिजिडिटी। ई होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनका गुणा जो होता है ये कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर बीम। ऐसी बीम जिसका क्रॉस सेक्शन फिक्स हो और जिसका मटेरियल फिक्स हो, ये कॉन्स्टेंट फॉर ए बीम फॉर एनी लोड। तो ई आई कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रल वाई आ गया और तो 0.5 इंटू ई कॉन्स्टेंट एक्स क्यूब का एक्स 4/4 0.5 एक्स 4/4 माइनस 7.5 एक्स क्यूब 3 C1 का इंटीग्रल C1 इंटू एक्स। अब एक नया कॉन्स्टेंट C2 भी आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 0.5 में 4 का भाग लगाया, 7.5 3 का भाग लगाया, ये करिए बढ़ गया, इसको मैंने 3 कह दिया। अब हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर C1 एंड C2। देखिए C1 C2 के वैल्यू आपको निकालनी होगी और मैं बता दूं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में ये हमेशा जीरो आते हैं, C1 C2 दोनों ही जीरो आते हैं। कैसे आप जानते हैं ना, ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसके ए और बी जो दो एंड्स हैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है, स्लोप जीरो नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऊपर से लोड लग रहा है इस तरह से, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन कर्व, इलास्टिक कर्व। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चूंकि सिमेट्री एग्जैक्टली बीच में होगा, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, लेकिन यहाँ डिफ्लेक्शन जीरो है, पर यहाँ स्लोप मैक्सिमम है, ये स्लोप यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है, और सिमेट्री होने से ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। हाँ, एक स्लोप आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, हम जो हमारे साइन चलते हैं उसके हिसाब से क्लॉकवाइज को प्लस कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, लेकिन आएंगे दोनों बराबर, न्यूमेरिकली इक्वल होंगे। तो ए और बी पर स्लोप जीरो नहीं होता है, डिफ्लेक्शन जीरो होता है। देखिएगा हमने ये लिख दिया एट एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, यानी कि डिफ्लेक्शन जीरो, और जब एक्स को जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तीन के अंदर ना फ्रॉम थ्री, तो वाई तो मैंने जीरो का है, यानी डिफ्लेक्शन जीरो है, ये जीरो जीरो इनटू समथिंग इज जीरो, एक्स को जीरो तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, एक्स आ गया ना, तो जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस सी टू, और ये वाई जीरो है ही, तो लिखा जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस सी टू, इसका मतलब सी टू बराबर जीरो आ गया। इसी तरह से एक्स बराबर 10 मीटर पर भी वाई जीरो होगा, एक्स बराबर 10 मीटर, यानी अगर हमने एक्स कहाँ से माना है, यहाँ से माना है, यानी सेक्शन, ये जब सेक्शन यहाँ आ जाएगा तो एक्स इक्वल टू 10 मीटर हो जाएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा बी, तो यहाँ बी पर भी आप जानते हैं डिफ्लेक्शन जीरो है, तो एक्स बराबर 10 मीटर पर वाई बराबर जीरो, वो इक्वेशन तीन काम आएगी। यहाँ पर देखिएगा हम इक्वेशन तीन में काम में लेंगे, ये वाई जीरो हो गया ना, तो जीरो बराबर एक्स इस बार में 10 ले रहा हूँ, तो 0.125 इंटू 10 की पावर 4 दिखेगा, 0.125 10 की पावर 4 माइनस 2.5 10 की पावर 3 प्लस C1 इंटू 10 प्लस C2 जीरो। अच्छा एक बात मैंने भी गलती से ये कह दिया था C1 C2 दोनों जीरो आएंगे, नहीं भाई वो C1 C2 दोनों जीरो आते हैं जब हम फिक्स बीम के सवाल करते हैं, नॉट इन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसमें C2 जीरो आएगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में C1 C2 दोनों जीरो आते हैं, ऐसा नहीं है, वो गलती से बोला जाएगा, C2 जीरो आता है, C1 नहीं आता है, C1 C2 दोनों जीरो आते हैं फिक्स बीम के सवाल करने में। तो ये देखिएगा वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पे, तो ये C2 जीरो था ना, अब इस इक्वेशन को सोल्व किया हमने तो C1 की वैल्यू आ गई 125। अब C1 की वैल्यू 125 और C2 की जीरो हमने इक्वेशन नंबर 3 और 2 में रख दी, 2 और 3 में, 2 तो बन गई इक्वेशन 4, 3 बन गई 5। C1 की वैल्यू रख दी हमने कितनी, 125, और C2 की जीरो, आपके सामने इक्वेशन बन गई फाइनली। ये इक्वेशन किसकी है, स्लोप की, ये किसकी है डिफ्लेक्शन की।
अब इन दोनों इक्वेशन से हम जो चाहे वैल्यू निकाल सकते हैं स्लोप की और डिप्रेशन की, जहां चाहे वहां निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा स्लोप डिप्रेशन दोनों आ जाएंगे। तो हम पहले करते हैं मैक्सिमम स्लोप, अधिकतम ढाल। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि जब लोडिंग सिमेट्रिकल होता है तो ए और बी दोनों पर जो स्लोप मैक्सिमम होता है, ए का मतलब एक्स बराबर जीरो, बी का मतलब एक्स बराबर टेन मीटर। तो हमने x बराबर जीरो किया तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी मैक्सिमम। तो इक्वेशन जो चार है ना, ये चार, इसमें हम x को जीरो लिखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स को जीरो, क्योंकि सॉरी डी वाई डी हो जाएगा मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं i, यानी कि स्लोप, और वो वैल्यू होगी मैक्सिमम, i मैक्स बोलेंगे। ई आई आई मैक्स इज इक्वल टू, अब जब वैल्यू पुट करेंगे ये वाले 125, देखिए कैसा है, कहाँ से मैं बताता हूँ आपको। एक्स को जैसे मैंने जीरो किया इसके अंदर, तो देखो ये जीरो का क्यूब जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये केवल ये बचेगा। हम कहेंगे ई आई आई मैक्स इज इक्वल टू 125, ठीक है, ई आई आई मैक्स इज इक्वल टू 125। इससे आई मैक्स मिल जाएगा कितना, 125 अपॉन ई आई, आंसर आ गया हमारे आंसर। और आंसर किस में आएगा, रेडियन में, और उसमें ए आई किस में है, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में। अच्छा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी स्लोप जो आई बी होगा वो मैक्सिमम में होगा, वो भी इतना ही होगा, लेकिन केवल साइन बदलेगा। हमने बता के आपको समझाया था इस बात, देखिए अगर हम एक्स की वैल्यू 10 मीटर लें, कितने 10 मीटर इसी के अंदर, तो ई आई आई मैक्स बन जाएगा ये भी, और ये 0.5 इंटू 10 क्यूब माइनस 7.5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 125, ये देखिएगा इसको सॉल्व किया अगर, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा 125, लेकिन माइनस 125 है, माइनस 125 अपॉन ई आई, न्यूमेरिकली सेम है। तो हमने क्या देखा, ए और बी दोनों पर स्लोप बराबर है, यहाँ पर भी 125 बटा ई है, वहां पर भी 125 बटा ई, लेकिन ये प्लस और वो माइनस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज है। हमारा फॉर्मूला एक तरह से बन गया, ये फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, फॉर्मूला नहीं बन गया, अभी फॉर्मूले से भी करेंगे, आंसर यही आएगा। तो आई ए और आई बी दोनों वैल्यू आ गई 125 अपॉन ई आई न्यूमेरिकली। अब करेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो अभी हमने किया है, क्योंकि लोडिंग सिमेट्रिकल है, जब लोडिंग सिमेट्रिकल होती है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमेशा सेंटर में होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में, सेंटर मतलब 5 मीटर पर। तो कुछ नहीं है आपको वाई मैक्स निकालना है, तो ड्यू टू सिमेट्री इट विल बी एट एक्स बराबर 5 मीटर फ्रॉम 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना हमारी, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम x को रखेंगे 5 मीटर, जहाँ x है वहाँ 5 लिख देंगे, तो y बन जाएगा y max, तो ई आई इंटू वाई मैक्स इज इक्वल 0.125 इंटू 5 की पावर 4 माइनस 2.5 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 125 इंटू 5, यही हमने किया। ये देखिएगा ई आई वाई मैक्स इज इक्वल 0.125 इंटू 5 की पावर 4 माइनस 2.5 5 की क्यूब प्लस 125 इंटू 5, किस में रखा हमने, इक्वेशन नंबर 5 में, एक्स को कितना रखा 5 मीटर, वाई क्या हो जाएगा वाई मैक्स, और इसको जब सोल्व किया तो वाई मैक्स आ गया 390.625 बटा ई आई, मीटर में आएगा आंसर, एक सारे डायमेंशन हमारे मीटर में चल रहा है। ई आई इसमें नमन दृढ़ता यानी कि फ्लेक्सरल रिजिडिटी, जिसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ई किसमें होता है, ई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यूनिट क्या होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सी, यूनिट क्या होती है मीटर पर। तो ई को आई से गुणा करेंगे तो किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और वाई मैक्स किस में आएगा, मीटर में आएगा, हमारा आंसर आ गया आई मैक्स इज इक्वल टू 125 बटा ई आई रेडियन, और वाई मैक्स इज इक्वल टू 390.625 बटा ई आई, ये आंसर आ गया। वैसे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको सूत्रों से चेक करके बताता हूँ। अच्छा एक और बात, मैंने आपको अभी कहा था
कि ड्यू टू सिमेट्री वाई मैक्स हमेशा सेंटर में होगा, यानी एक्स बराबर ये पांच काला पांच मीटर के दस मीटर पांच मीटर का होगा। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ स्टार लगाया था आपके लिए, देखिएगा अभी समझ आएगा ना कि ड्यू टू सिमेट्री वाई मैक्स विल बी एट एक्स बराबर टेन बाई टू इक्वल टू फाइव मीटर। दो स्टार लगाए मैंने और दो स्टार का मीनिंग क्या समझा रहा हूँ मैं इसको अलग से भी समझा रहा हूँ। आप जानते हैं जहाँ वाई मैक्सिमम होता है वहाँ स्लोप जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना स्लोप की पांच चार नंबर इक्वेशन, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर देंगे, यानी कि जहाँ वाई मैक्सिमम होता है वहां स्लोप जीरो होता है। आप जानते हैं ना, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है कि नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो यहाँ अगर मैं टेंजेंट खींचू कैसे आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी, लाइन जब होती है हॉरिजॉन्टल, एंगल जीरो, स्लोप जीरो। हमने क्या किया कि इक्वेशन चार जो है उसमें स्लोप को जीरो कर दिया और उससे एक्स ये आ गया। ये देखिएगा ये वाली पॉइंट पांच एक्स क्यूब माइनस सात पॉइंट पांच एक्स स्क्वायर प्लस वन ट्वेंटी फाइव इजिकल टू ये जीरो हो गया, ये जीरो। अब हमने इसमें एक्स को रखा पांच मीटर, तो ये एल एच एस कितना आया, मैंने निकाला एल एच एस, सॉल्व किया पॉइंट पांच इंटू पांच क्यूब माइनस सात पॉइंट पांच इंटू पांच स्क्वायर प्लस एक सौ पच्चीस ये जीरो आ गया। ओके, यानी कि चेक हो गया। ये वैसे भी हमने बता दिया था सिमेट्री से और इससे भी निकाल दिया, सेम रिजल्ट आया। फाइनली हम चेक करेंगे अब अपने आंसर्स को फॉर्मूलों से। आप जानते हैं कि जब ये वाला केस होता है कौन सा, सिंपली सपोर्टेड बीम का, इसकी पूरी लंबाई पे यूडेल होता है W पर मीटर और ये L होता है, L का दो या स्मॉल L का दो जो भी हो उसको स्मॉल L कह देते हैं। तो I मैक्स होता है स्मॉल W स्मॉल L क्यूब बटा चौबीस ई आई, और Y मैक्स का फॉर्मूला आप जानते हो पांच बटा तीन सौ चौरासी स्मॉल W L फोर अपॉन ई आई, या फिर इसको स्मॉल L कह देता हूँ। अब आप इसमें W रख दे, W कितना था तीन, L कितना था दस मीटर और चौबीस ई आई, सॉल्व किया एक सौ पच्चीस बटा ई आई। ओके, यानी वही आंसर आ रहा था, हमने निकला था डबल इंटीग्रेशन मेथड से। और वाई मैक्स का होता है पांच बटा तीन सौ चौरासी स्मॉल डब्ल्यू एल फोर ई आई, वो सेम तीन सौ नब्बे पॉइंट छः दो पाँच आएगा। ओके, मतलब एग्जैक्टली आंसर वही आया जो हमने पहले निकला था डबल इंटीग्रेशन मेथड से। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे और उनको परीक्षा में लाभ होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। It is all over about this video. Thank you.